अपराध शाखा में कार्यरत नरेंद्र बघेल के बेटे अभिषेक बघेल का शव बरडी के फॉर्चून मॉल के बेसमेंट में मिला था। मृतक के गायब होने की तकरार वाटोड़ा पुलिस स्टेशन में दी गई थी। बंद मॉल में युवक का शव मिलने से अब शहर में हड़बड़ी मच चुकी है। शुक्रवार को घटना का गंभीरता समझते हुए डीसीपी विनीता साहू ने घटनास्थल पर घटना का जायजा लिया था। फॉर्चून मॉल के नजदीक मृतक की बाइक पाई गई थी। अभिषेक पिछले दो दिनों से घर से गायब था, जिसकी रिपोर्ट वाटोड़ा थाने में दर्ज की गई थी। उसको मिर्गी की बीमारी थी। मृतक की शिनाख्त होने के तुरंत बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्राथमिक जांच में अभिषेक के शरीर पर कोई निशान नहीं पाया गया। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं होने की बात भी सामने आई थी, लेकिन बंद मॉल के बेसमेंट में अभिषेक पहुंचा कैसे, इस बात को लेकर कई शंका कुशंकाएं चर्चा का विषय बनी हुई है। अभिषेक की हत्या का शक होने की बात भी घटनास्थल पर चल रही थी। ग्राउंड फ्लोर पार्किंग है, जिथे बॉडी में आली है, कोण है मृतक, नेमकी माहिती आतापर्यंत काय आली आहे? जे मृतक आहेत त्या बाबतीत वाठोडा पोलीस स्टेशन येथे काल त्यांची आईने एक मिसिंग रिपोर्ट दिली होती, त्याबाबत त्यांचा शोध सुरू होता आणि जे डिस्क्रिप्शन त्यांनी दिलं होतं त्याप्रमाणे आज जेव्हा इथून फॉर्च्यून मॉलकडून माहिती आली की त्याप्रमाणे एक मुलगा आणि त्या सेम डिस्क्रिप्शन जी जे बाईक आहे ते इथे दिसून येत आहे, तर या इथे येऊन सहानिशा केली तर जे मिसिंगमध्ये मुलगा होता आणि बाईक होती तेच आहे। बाकी पुढील याबाबत जे आहे ते आमच्या पोलिसांचा तपास सुरू आहे।